नमस्कार, मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ, जी हाँ, एक ऐसी महिला से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने प्यार की, विश्वास की और हिम्मत की एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, ये एक वो शख्स है, ये एक वो महिला है जिन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। जहाँ कोरोना से लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे हैं, जब कोरोना का नाम सुन रहे हैं तो वो पहले ही भाग जा रहे हैं, लेकिन इनके सामने कोरोना की भी नहीं चली। जी हाँ, उन्होंने कोरोना से अपने पति को कोरोना के चंगुल से बाहर निकाला। मैं बात कर रही हूँ रामलाल खेतान जी की वाइफ की। उनके वाइफ का नाम संगीता जी है। संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। तो संगीता जी, कहीं ना कहीं आपने एक मिसाल कायम की है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपने सुना कि आपके हस्बैंड को कोरोना है तो उस वक्त आप घबराई नहीं, आप डरी नहीं, आपने सोचा, आपने तय किया कि आप उनके साथ रहेंगी और उनको कोरोना के चंगुल से बाहर निकालेंगी। तो क्या डर नहीं लगा था उस वक्त? ऐसा नहीं है कि हम घबराए नहीं और डरे नहीं, लेकिन अपने लिए नहीं घबराए, अपने हस्बैंड के लिए घबराए। लोग कहते हैं कि जिसको कोरोना हो जाए उसको एकांत में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो पेशेंट है वो कैसे अपनी देखभाल करेगा। वो तो कोरोना के नाम से ही इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है, तो उसको एक सही देखभाल की ज़रूरत है। और हमारे परिवार वाले हमारे साथ रहें, हमारे बच्चों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। और पेशेंट को अकेला छोड़ना इसका इलाज नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें साथ रहना चाहिए, इसमें साथ रहना चाहिए। तो मैम, क्या आपने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था? जैसे कि सर बता रहे थे कि आप भी पॉजिटिव हो गई थी। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा था कि यदि आप 24 आवर्स इनके साथ रहोगे तो कोरोना हो जाएगा, हो जाएगा। तो जैसे इनको हुआ, ठीक हुआ, मेरे को भी ठीक हो जाएगा। तो किसी को भी कोरोना हो सकता है, इसका मतलब नहीं है कि जो कोई कोरोना पॉजिटिव है उसको एकदम अकेला छोड़ दिया जाए। और यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। मतलब अकेला छोड़ना ये मर्ज का इलाज नहीं है, आपको साथ रहना है, साथ देना है, हिम्मत रखनी है और कोरोना पे विजय जो है वो हासिल करना है। तो उस दौरान संगीता जी, आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट लिया, क्या कुछ किया, कैसा आपने ट्रीटमेंट लिया और क्या एहतियात? हम अपने डॉक्टर के गाइडलाइन में रहे, जैसे जैसे उन्होंने कहा ऑक्सीमीटर चेक करते रहे, जब ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन चढ़ाया, जब फीवर चढ़ा तो मेडिसिन दिया। तो जैसे जैसे डॉक्टर कहते रहे, बच्चे हमेशा डॉक्टर के टच में थे, बच्चे हमें बताते थे कि क्या करना है, किस समय गर्म पानी, नींबू पानी, काढ़ा, दवा, ये सब हम भाप लेना, गरारा करना, ये सब हम करते रहे। अगर मैं आपकी रूटीन जाननी चाहूँ कि उस दौरान कब आप सर के साथ, आप कब वहाँ पे आई, मतलब आप भी आइसोलेट हो गई थी, आपने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया था? सेम डे। ओके, तो उस दौरान अगर मैं आपकी रूटीन की बात करूँ कि आप क्या खान पान करती थी, अगर शुरू से लेकर आप बताएंगी किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को और डाइट को फॉलो किया? शुरू में तो टेस्ट थोड़ा ख़त्म हो जाता है, किसी भी फीवर में टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई, वैसे छेना, पनीर, फ्रूट्स, ये सब का थोड़ा सा प्रयोग ज़्यादा किया। और काढ़ा है, नींबू पानी है, विक्स की भाप है, और जैसे डॉक्टर बताते गए वैसे हम लोग करते। मतलब मुसलसल आप लोग डॉक्टर्स के टच में रही और जिस तरह से उन्होंने गाइड किया वो सारी चीज़ें आपने फॉलो की। तो एक और सवाल कि आप इस वक्त सिर्फ अपनी अपना ख्याल नहीं कर रही थी, आप कहीं ना कहीं राम जी का भी ख्याल रख रही थी, उनको भी देख रही थी। तो जो दो जानें जो हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई थी, दो जानों का आप ख्याल रख रही थी, तो मैम किस तरह से जो है उस दौरान आपने सैनिटाइजेशन का कैसा ख्याल रखा, आपने उस दौरान क्या कुछ चीज़ें की, क्या एहतियात बरता, कैसा लगा? उस समय हमारे रूम में बाहर से कोई नहीं आता था, बहुत ज़रूरी होने से बच्चे आते थे, क्योंकि मैं खुद कमज़ोर हो गई थी तो बहुत सारी ऑक्सीजन सिलेंडर उठाना करना मेरे लिए नहीं हो पाता था। और मोस्टली हम लोग डिस्पोजेबल में खाना लेते थे, जब बच्चे बाहर टेबल पर रख देते थे फिर हम उनको उठा लेते थे, फिर हम लोग उसको अपना गार्बेज बैग में पैक करके सैनिटाइज करके रख देते थे, उसको बच्चे हटा देते थे। और वक्त निकल गया ऐसे ही सुबह, वक्त निकल गया जी। और एक और सवाल, आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं आपको सुन रही हैं, आप सबके लिए एक मिसाल हैं बिल्कुल, क्योंकि आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसको सब लोग कहीं ना कहीं जिससे इंस्पायर होंगे और ये कहानी जो है वो सुनाएंगे कि ऐसी भी एक महिला थी जो डरी नहीं, जहाँ पर लोग साथ छोड़ रहे हैं, अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, वहाँ आपने साथ दिया, हिम्मत दिखाई और कोरोना से अपने पति को जो है बचा के लेके आई हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ एक वाइफ की बात नहीं है, यदि एक बहन हो, पिता हो, माँ हो, कोई भी हो, पेशेंट को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपका फैमिली मेम्बर है और आपकी उसको ज़रूरत है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए। और जो लोग अगर कोरोना पॉजिटिव हैं, जो अभी भी कोरोना को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी एहतियात नहीं कर रहे, उनको क्या सलाह देंगे? नहीं,
उनको जैसे डॉक्टर्स कहते हैं वैसे रहना चाहिए और परहेज रखना चाहिए ताकि आपसे किसी और को ना हो पाए। तो काफ़ी मज़ेदार रही मैम आपसे बात और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि आप हमारे लिए भी इंस्पिरेशन हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हिम्मत रखनी है, डरना नहीं है, कोरोना को डराना है, और कहीं ना कहीं अगर साथ मिल जाए, अगर सोच हो इंसान की कि हमें हराना है, तो आप ज़रूर पॉजिटिव थिंकिंग से कोरोना को मात दे सकते हैं, आप कोरोना पे विजय हासिल कर सकते हैं, आप ये जो लड़ाई है इसको फतेह कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज़। शुक्रिया।